इस देश में पहली बार एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है, तो देश के एक सेंटीमेंट से कि आदिवासी महिला को ये बहुमान मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी हमारे बहुत से विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जो आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं और खुद आदिवासी भी हैं, उनकी भी ये इच्छा रही, तो उद्धव जी ने निर्णय लिया कि पार्टी अपने वोट द्रौपदी मुर्मू जी को देती है। ये हमारी एक इच्छा है, हमारी आदिवासी के प्रति रिस्पेक्ट और भावना है। मैं मानता हूँ राजनीति से ऊपर जाकर ये निर्णय पार्टी ने लिया है, उससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है। हमने कांग्रेस उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के प्रतिभादाई पाटिल को भी सपोर्ट किया था जब हम एनडीए में थे, सरकार में थे, एनडीए में थे। प्रतिभादाई पाटिल महाराष्ट्र की मराठी मतदाता की पुत्री थी, तो हमने सपोर्ट किया। फिर हमने प्रणव बाबू मुखर्जी को भी सपोर्ट किया था राष्ट्रपति पद के लिए। तो शिवसेना की यह परंपरा है कि ऐसे पद पर जो व्यक्ति बैठती है उनका सम्मान करे, योग्य व्यक्ति है उनको सपोर्ट करे। तो आपने जो प्रश्न कहा कि द्रौपदी जी आज मुंबई आने वाली है या मातोश्री जाएंगे, मुझे वो मातोश्री आए इसलिए हमने सपोर्ट नहीं किया। ये राजनीतिक समर्थन नहीं है, हमारी भावना है और आदिवासी समाज के प्रति हमारा आदर है, बस इतना ही। कैसे द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ मुंबई में आ रही है तो एनडीए की मीटिंग हो रही है सर, आप लोगों ने सपोर्ट किया है शिवसेना को? नहीं, हम एनडीए में नहीं है, आपको पता होगा। तो ये सवाल गलत है आपका, हम एनडीए में नहीं है फिर भी हमने सपोर्ट किया है। बोला ये पहा कि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचं समर्थन दिलेलं आहे, त्याच्यामागे कोणताही राजकीय विचार नाही, राजकीय फायद्या तोट्याचं गणित नाही, निवडणुकांचं गणित नाही। द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातून आलेल्या एक नेत्या आहेत ओडिशातल्या, आणि या देशामध्ये प्रथमच एक आदिवासी महिला अत्यंत मागास भागातून आलेल्या आहेत, त्या एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती होते, याच्यामुळे संपूर्ण देशामधलं एक वातावरण असं आहे की त्यांना समर्थन मिळावं। महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी भाग आहे, नंदुरबार असेल, धुळे असेल, ठाणे जिल्ह्यातले अनेक भाग आहेत, विदर्भातले मेळघाटपासून सर्व भाग आहेत, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आहे। आमचे अनेक आमदार आणि खासदार आदिवासी भागातून आलेले आहेत निवडून, आमच्या शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी हे आदिवासी क्षेत्रात काम करतात। या सगळ्यांच्या भावना समजून घेतल्यावर पक्षप्रमुखाने निर्णय घेतलेला आहे की द्रौपदी मुर्मू यांना आपण समर्थन दिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोणताही राजकीय विचार नाही।